गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी टीचर ज्योति। बेटा आज हम पाठ 11 वह बर्फीली यात्रा नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में दो छोटे छोटे बच्चों की साहसिक व अनोखी पर्वतारोहण यात्रा का वर्णन है। आइए पाठ को देखते हैं। अब बहुत छोटी थी संगीता, केवल 7 वर्ष की, और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई रुपेंद्र। वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में रहते थे, जहाँ से रोहतांग दर्रा ज़्यादा दूर नहीं था। 13,000 फुट से ऊंचा रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका हुआ, जहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती थी। बड़े बड़े साहसी और सुरमा भी उधर जाने से घबराते थे। सभी लोग कहते रोहतांग दर्रा खतरनाक है, पर संगीता और रुपेंद्र के लिए वह घर जैसा ही था। रोज वे वहाँ खेलने जाते और ज़मीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते, वहाँ जो बर्फ पड़े हुए थे उनको उठाकर एक दूसरे पे वो लोग फेंक कर खेलते थे। चारों ओर उनकी मीठी खिलखिलाहटें बिखर जाती, यह उनका रोज का प्रिय खेल था। एक दिन संगीता बोली, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? रुपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। बोला, बड़े बड़े हिम्मती स्केटिंग वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए, और हम मालूम है कितनी मुश्किलें आएंगी। हम तो बर्फ में दबी जाएंगे, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो वहाँ जाकर दबी जाएंगे। पर संगीता की निराशा बड़ा भाई रुपेंद्र समझे बगैर न रह पाया और बोला, तो क्या तुम चाहती हो हम रोहतांग दर्रा पार करें, पर रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी क्या उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? लगा उनका भाई पूछने संगीता का, रोगी तो नहीं? संगीता ने हंसकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, तो अब चलें, अब हम लोग दोनों लोग चलें वहाँ पे। ऐसे शुरू हुई एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा। ऐसी यात्रा जिसमें दो छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति के भीषण रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वे वैसे ही घूमने चले आते थे, उछलते कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ के खेल खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। मौसम ठंडा था, ठंडी का मौसम था, एकदम ठंडा हो गया था मौसम। हवा में इतनी ठंडक थी कि लगता था खून तक जम रहा है, मतलब जो उनका ब्लड है वो भी जम रहा है, इतनी ज़्यादा की ठंडी पड़ रही थी। शाम होते होते वे रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुँचे। सब और बर्फ ही बर्फ, मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। वहाँ पे इतना बर्फ था, उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया इसी बर्फ में समा गई है। बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियां चलती, तो दोनों को लगता कि वे तिनके की तरह इस आंधी में उड़ जाएंगे और फिर कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। प्रकृति के तूफानी थेपड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। वो आगे बढ़ते चले गए दोनों बच्चे। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वे रोहतांग दर्रे के बाहर आए। वहाँ सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग बहुत चक्के ही रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया, फूलों की मलाई मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। जो जनता लोग थे उनके लाडले और दुलारे बन गए दोनों बच्चे। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली और
फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला क्योंकि वो पर्वतारोहण यात्रा को पार कर कर चले आए थे। जो जो उनकी साहस कथा सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता, पर संगीता और उपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ से प्यार है, हम दोनों को बर्फ से बहुत प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने ताकि कोई यह न कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। धन्यवाद।